अस्सलामुअलैकुम जी एंड वेलकम बैक टू व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं जी। काफ़ी दिनों का मैंने तो व्लॉग बनाया नहीं, तो आप लोग भी सोच रहे होंगे यार ये तो मतलब 5 डे का व्लॉग ही नहीं आज का। असल में यार थोड़ा सा बिजी था। चल झूठा। इंशाल्लाह आपको जी यह बात शरीर को पता चल जाएगी क्या मतलब क्या बिजी था और इंशाल्लाह क्या मतलब क्या कर रहे थे हम। इंशाल्लाह आप लोगों को शरीर को पता चलेगा। दूसरी बात यह है कि आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जो सैटरडे से जो वीडियो आने वाली नेक्स्ट वो आप कुछ भी वीडियो मिस नहीं करें इंशाल्लाह। अच्छा हमारी किधर की यार ट्रिप लगेगी बराबर। लोग कैसे करके किधर जाएंगे? अमेरिका से अल्लाह के किसी और कंट्री को जाएंगे जी। तो आप लोग कैसे करना जी ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में जी। तो आज ही तर्ज है और लाल भी घर में, इसकी तबीयत थोड़ी सी वो ठीक नहीं थी और मतलब बेचारे को बुखार था, पर अल्हम्दुलिल्लाह भी ठीक हो चुका है उसने। आज काम से डे ऑफ लिया है जी, वो गर्मी है और आराम कर रहा है। और ट्रक साथ में लेकर आया बात ट्रक साथ में लेकर आया था, पर कह रहा है वापस देने जाऊंगा, पर अभी क्या पता जाएगा अभी नहीं जाएगा। तो माशाल्लाह आज मौसम भी बहुत अच्छा हो चुका है जी। और जो ट्रिप में जा रहे हैं हम पूरी होल फैमिली जा रहे हैं जी, सब जाएंगे जी, भाई लोग सब मतलब जाएंगे जी इंशाल्लाह। और जो आगे व्लॉग आने वाले इंशाल्लाह बहुत मज़े के बनने वाले, इसलिए कुछ दिनों से मेरे व्लॉग वीकेंड भी कम आते थे। लाइक लास्ट 2 वीक बहुत कम मेरे व्लॉग आए, क्योंकि 1-2-3 व्लॉग मैंने अपलोड किए मेरे ख्याल से, तक मुझे ख्याल है मतलब 3 व्लॉग या मेरे ख्याल से 4 व्लॉग अपलोड किए थे, इसलिए थोड़ा सा बिजी था कामों में। तो आपको ये व्लॉग मतलब इंशाल्लाह जो सैटरडे को व्लॉग आएगा वो आपको पता चल जाएगा क्यों बिजी थे हम क्या कर रहे थे इंशाल्लाह। तो आज की रूटीन क्या होगी आपका शेयर करेंगे जी इंशाल्लाह, और क्या पूरे दिन में करेंगे आपको इंशाल्लाह बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेकफास्ट भी कर लिया, रेडी वगैरह भी हो चुका हूँ, और कुछ इतना खास करने जगह काम नहीं था यार। तो अभी ग्रास को थोड़ा सा पानी दिया, आपको दिखाऊंगा जी। ये देखिए थोड़ा सा अभी अभी ग्रास को मतलब पानी दिया है ना, तो इसलिए कि अभी भी बंदा आया था उसने ग्रास काट के दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये कहते हैं थोड़ा सा हमने कहा पानी दे दें तो अभी फ्रेश हो जाएगा। तो अभी पानी को बंद करते हैं जी स्प्रिंकलर को ना। पर ये हम ये देखिए यार कितना अच्छा आए मतलब तरीका है जी, स्प्रिंकलर खोलते हैं जी, खुद बहुत पानी लग जाता है, बंदे को मेहनत नहीं करनी पड़ती, खुद एक पाइप के साथ डालो ऐसे ऐसी बस स्प्रिंकलर ऑन करो और खुद पानी लग जाता है। तो अब इधर से बंद करते हैं जी, ये जा पत्ती इधर से बंद कर सकते हैं आप। तो देखना जी बंद हो जाएगा, खुद बहुत बंद हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे जी, थोड़े से टाइम लगते हैं जी। तो 3 सेकंड लगा के देखा बंद हो गए हैं जी माशाल्लाह। और वैसे डीमेटक भी अंदर से लगा सकते हैं, पर हम नहीं लगा रहे क्योंकि दूसरी जगह हमने सीमेंट डाला है ना, जैसा कि रास्ता आपको लास्ट टाइम बताया था, तो दोबारा लगाओ तो वो भी चल जाती है, तो इसलिए हमने कहा इधर खुद आकर लगा लो तो ईजी होता है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह यार थोड़ा सा पानी भी दे दिया और फिर देखते क्या करते हैं जी। लाल लेटा हुआ जी, तो उसका ट्रक उधर खड़ा हुआ था, आपको जाकर दिखाऊं जी। चलते हैं जी थोड़ा सा वहाँ कर आपको दिखाऊं जी लाले का ट्रक। और अल्हम्दुलिल्लाह जी दिन मतलब अभी थोड़ा सा क्या कहते हैं गर्मी हो चुकी है जी, क्योंकि बाहर हो चुके हैं जी 12 o'clock अभी दिन के, जैसे हल्के की थोड़ी सी धूप की गर्मी लगती, धूप में खड़ा होता। और वैसे अल्हम्दुलिल्लाह इधर अमेरिका में ये बात है कि असर के बाद हवा चल जाती है और माशाल्लाह मौसम बराबर हो जाता है फिर। और रात को अभी 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 कभी कभी रात को ठंड भी लगती है बंदे को, क्योंकि कभी कभी ठंड होती है ना, इसलिए। यह देखे जी लाल का ट्रक इधर ही खड़ा हुआ है जी, आज वो काम को नहीं गया, तो अभी आज गर्मी है जी, उसकी तबीयत रात में थी, इसलिए उसका ट्रक इधर खड़ा हुआ था। यार ट्रक का साइज कितना बड़ा ट्रक होता है, मुझे देख कर इसको डर लगता था ट्रक को, क्योंकि इतने बड़े बड़े साइज होते हैं ट्रक, इतने बड़े बड़े क्या बताऊँ। देख सकते हैं जी इधर इसकी पीछे ट्रेल हो करते हैं जी, तो फिर लेके जाते हैं। मैं 1-2-3 दफ़ा लगे हैं लाले के साथ, तो इसलिए ब्लॉग बनाया था आप लोग, बहुत मतलब टाइम हो चुका है, 3-6 मंथ हो चुके हैं जी ये लाले का ट्रक। अभी क्या करेंगे जी, तो फिर हम असल के टाइम जिम को भी जाते होते हैं, वो भी आज का शेयर करेंगे दोबारा जी। आज की जिम की रूटीन क्या होगी हमारी वो भी आपके साथ दिखाएँगे, क्योंकि बाइक का सफर आप भी चलेंगे जी किधर घूमने फिरने किसी डिफरेंट कंट्री को, तो भाई ये कहला था फिर मैं भाई के साथ जाता हूँ, तो फिर लाले भी जाता, पर लाले की तबीयत ठीक नहीं 2-3 दिन से, तो इसलिए वो नहीं जा रहा, फिर मैं भाई साथ में लगा जाते हैं जिम। तो आपको दिखाएंगे जी इंशाल्लाह, लाल असर के पास जाएंगे जब जिम को, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। यार जोर का टाइम भी होता तो जोर की नमाज़ पढ़ी है जी, तो अभी क्या कहते हैं कुछ भी नहीं। और दूसरी बात है यार अभी मेरी फील भी ऐसी होने लग पड़ी जैसे अभी मैं भी बहुत बजे बुखार होने वाला ऐसा है ना, तो आज देखते हैं जिम की छुट्टी करेंगे क्योंकि आज डे ऑफ करेंगे, क्योंकि तभी कोई वैसे सेट नहीं लग रही। अभी लाला बीमार हुआ तो मुझे लगता है उसने मुझ भी लगा लिया है कि बुखार, तो अभी ऐसे करते हैं जी रेस्ट करेंगे थोड़ा सा और जिम को नहीं जाएंगे जी। तो आज का मतलब आप लोगों को कैसे लग रहा है, थोड़ा सा मतलब
गर्मी था, इतना कुछ करने जोगा नहीं था खास। और दूसरी बात ये आप लोग कह रहे थे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इससे जो को आपको पता चल जाएगा कि लाइक लास्ट वीक काम ब्लॉग आ रहे थे वो आपको पता चल गया। और दूसरी बात मैंने आप लोगों का गैस किया, बताया था गैस कह रहे जी हम कहते जा रहे हैं जी इस डिफरेंट कंट्री, कौन सी कंट्री जा रहे हैं, इंशाल्लाह गैस जरूर करना जी। तो वैसे आपको सैनिटरी को पता चल जाएगा। तो अभी जी इंशाल्लाह क्या कहते हैं खाना बन रहा है और दिखाते हैं आज खाने में क्या है इंशाल्लाह जी। तो यार अल्हम्दुलिल्लाह जी बर्गर वगैरह के लिए चिकन रेडी हो चुका है, आपको दिखाऊं जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी चिकन रेडी हो चुका है जी। तो अभी जैसे उसके लिए बन या ब्रेड में हर रोटी में भी आप दाल का खा सकती है, ऐसे चिकन है माशाल्लाह सकते हैं, यार कितने खूबसूरत लग रहा है। तो अभी जी इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद खाना खाते हैं जी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहते थे मेडिसिन ली थी, थोड़ी अभी फील अच्छी है जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी भूख लगी है तो खाना खाते हैं जी इंशाल्लाह। यार हम जरा माशा जाके बर्गर खा रहा था, क्या मज़े का लग रहा था यार बर्गर जी। तो अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना वगैरह खा लिया था और खाने में आपने देखा जी माशाल्लाह चिकन बर्गर बना हुआ था। तो माशाल्लाह खाया अभी अभी, और फिर उसके बाद जी खा कर थोड़ा सा लेट चुका था, आराम कर रहा था जी, क्योंकि वैसे तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मेडिसिन ली थी उस वक्त, तो अभी फील बेहतर कर रहा हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर जी आज का मैं इधर ही ख़त्म करता हूँ। तो फिर आज का आप लोगों को यार पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट मस्त करना जी। और इंशाल्लाह रेडी रहे जी नेक्स्ट वीडियो के लिए जी, और इंशाल्लाह बहुत धमाकेदार वीडियो बनने जी नेक्स्ट भी, आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। और माशाल्लाह जी मौसम भी अभी ठीक ठाक हो चुका है जी। तो चलो जी अल्लाह हाफिज़।